हेलो एवरीवन, ये आज की वीडियो हमारा सेकंड पार्ट है क्लास टेंथ के चैप्टर फर्स्ट का। पहले पार्ट में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके टाइप्स के बारे में देखा था। केमिकल रिएक्शंस चार तरह की होती थी। देर आर फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिनके नाम थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम उन्हीं टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। पहला टाइप जो आता है वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है कि कुछ कंबाइन करना। जैसे कि डेफिनेशन में देखें, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलेंगे, कंबाइन करेंगे, जिससे एक नया सिंगल सब्सटेंस मिले। जैसे आप दो चीज़ों को जोड़ के एक तीसरी चीज़ बना रहे हो और वो सिंगल बन रही है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, CaO इसका सिंबल रहेगा, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इसका साइंटिफिक नेम है, क्विक लाइम को कॉमन नेम बोलेंगे। जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास इस साइड रिएक्टेंट साइड दो सब्सटेंस हो गए हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड एक वाटर। दोनों कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, CaOH2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम रहेगा स्लैक लाइम। तो दो ने मिलके एक बनाया, इस तरह की रिएक्शन को बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट आया है, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे, इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो जो रिएक्टेंट है इसको हम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल, कि जो हम वाइट वॉश करते हैं दीवारों पे, घर पे जो जैसे आजकल पेंट होता है, पहले वाइट वॉश होता था। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। अगर फर्दर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इससे मिलेगा हमें कैल्शियम कार्बोनेट और एक शाइनी फिनिश मिल जाएगी दीवारों पर। जैसे आजकल POP का जो काम है कि वो आपके घरों की दीवारों को चमका देती है, वैसे ही काम रहेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। तो रिएक्शन इस प्रकार रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस फेज में रहेगा। एक्वस उसको बोलेंगे जब वाटर की मिक्सिंग होती है उसमें। जैसा कि हमने देखा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बना तो उसमें वाटर की मिक्सिंग थी, तो उस फेज को बोलेंगे एक्वस फेज। इसको CO2 के साथ रिएक्ट कराना है, CO2 का जो फेज रहेगा वो गैसियस फेज रहेगा। जब दोनों रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, प्लस वाटर, तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। यही कैल्शियम कार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल रहेगा हमारी शाइनी फिनिश देने के लिए वॉल्स को। अब इस रिएक्शन की बात करें तो ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही थी। इसमें क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। मेन प्रोडक्ट यही है, वाटर को आप बाई प्रोडक्ट बोल सकते हो, तो मेन प्रोडक्ट सिंगल ही बन रहा है जो यूज हो रहा है, वाटर तो एज ए बाई प्रोडक्ट रहेगा। तो दो ने मिलके फिर से एक बनाया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप रहेगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कि कोयले को जब हम जलाते हैं तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, उससे हीट मिलती है, उससे लाइट मिलती है। जैसे कोयला हम लेते हैं वो सॉलिड फेज में रहता है, जब उसको बर्न करेंगे तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो कार्बन कोयला जो है वो कार्बन का फॉर्म होता है। तो जब कोयल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा तो जो प्रोड्यूस करेगा वो CO2 प्रोड्यूस करेगा, साथ में हीट निकलेगा और लाइट निकलेगा। तो ये भी रिएक्शन आपका रहेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 मिल रहा है, ये फिर से बाई प्रोडक्ट, तो मेन प्रोडक्ट CO2 है, तो इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट कराते हैं एक फिक्स रेशियो में, जिससे आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, वाटर 2H2O। ये जो 2 हैं ये कोफिशेंट्स हैं, ये बैलेंस करने के लिए यूज़ किए गए हैं। इधर कोफिशेंट्स देख लो, 2 2 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 2 4 ही हैं, ऑक्सीजन इधर 2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन 2 ही हैं। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो इस शेप का रहता है कि एक ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन आपके अटैच रहते हैं। ये जो रहता है ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, इनके बारे में आप हायर क्लासेज में देखते हो कि ये बॉन्ड किस टाइप का रहेगा।
इनके बीच में जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, किस रीजन से आई हैं, कौन सी फोर्स यहाँ काम कर रही हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये सब टाइप्स थे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। तो कॉम्बिनेशन वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक नया कंपाउंड बनाते हैं या नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही फर्दर दो टाइप्स आ जाएंगे जिनको बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अगर इस वर्ड को देखें एक्जोथर्मिक, एक्जो का मतलब बाहर आना, थर्मिक मतलब हीट या टेम्परेचर, तो ऐसी रिएक्शन जिनमें से हीट बाहर आती है जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है, तो उन रिएक्शंस को बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें से हीट बाहर आती हैं। तो जो अभी हमने पीछे रिएक्शन देखी थी कैल्शियम ऑक्साइड, जो स्लैक लाइन था आपका, स्लैक लाइन की फॉर्मेशन जो देखी थी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता था, फर्दर फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से मिक्स कराया तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, यह हीट की इवोल्यूशन से बनता है, यहाँ से हीट बाहर आती है, तो इस रिएक्शन को हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। एक और टाइप रहेगा एग्जाम्पल, जैसे मीथेन CH4 होता है, मीथेन गैस, ये कार्बन का ही एक कंपाउंड होता है मीथेन गैस, जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें CO2 मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा और हीट बाहर आएगी, हीट बाहर आ रही है, तो जिसमें हीट बाहर आती है उन रिएक्शंस को एक्जोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। एंडोथर्मिक, एंडो मतलब इनसाइड, अंदर देना, मतलब जिसमें हीट को दिया जाता है, एक्सटर्नली सप्लाई किया जाता है रिएक्शंस के लिए, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, जिनको एनर्जी चाहिए, या तो वो हीट की फॉर्म में चाहिए या लाइट की फॉर्म में या आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कि इन रिएक्शंस के लिए आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल रहेंगे जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, BaOH2, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इस बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड गैस के साथ, बेरियम हाइड्रोक्साइड इसको जब रिएक्ट कराएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम क्लोराइड मिलेगा प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब यहाँ पे ये इंटरचेंज हो चुके हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड अमोनिया के साथ चला गया है, बेरियम क्लोराइड के साथ चला गया है, बट यहाँ से जो ये रिएक्शन होगी इसके लिए आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, कोई हीट देना पड़ेगा इसको, तो तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो इस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो ये दोनों टाइप हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थे, जो फर्स्ट टाइप था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। सेकंड टाइप की रिएक्शन आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जस्ट रिवर्स बोल सकते हो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन में हम कहते थे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, डीकम्पोजिशन में हम बोलेंगे एक सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, जिससे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलेंगे आपको, प्रोडक्ट मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। तो डेफिनेशन इज रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजिज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस, कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज हो जाता है जिससे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हमें मिलें, तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फर्दर डिकम्पोजिशन भी तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला टाइप रहेगा डिकम्पोजिशन का थर्मल डिकम्पोजिशन, फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। कि वेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड बाई हीट, आप एक सिंगल सब्सटेंस जो आपका रिएक्टेंट है, उसे सिंगल रिएक्टेंट को जब हीट करते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो उस टाइप के डिकम्पोजिशन को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। कि वेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाई हीटिंग, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आयरन सल्फेट है आपका, फेरस सल्फेट बोल सकते हैं इसको, ग्रीन कलर का रहता है, जैसे ही इसको हीट करेंगे, ये सिंगल है, अभी सिंगल रिएक्टेंट है, जैसे ही हीट करेंगे इसके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ मिल रहे हैं हमें फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये तीन तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और जो कलर है डिकम्पोजिशन में वो चेंज हो जाएगा। फेरस सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है, जो फेरिक ऑक्साइड का कलर रहेगा वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा, तो कलर जो है यहाँ पे वो चेंज हो रहा है, तो कलर जब चेंज हो जाएगा, जब सिंगल सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन, और वो हीटिंग की हेल्प से हुआ है तो कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, कि विद हेल्प ऑफ हीट किया है हमने। नेक्स्ट इसी में आएगा सेकंड टाइप,
इसके कुछ और एग्जांपल दिए हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा प्लस CO2 मिल जाएगा। तो सिंगल सब्सटेंस है, दो प्रोडक्ट दे रहा है, दो से ज़्यादा सब्सटेंस दे रहा है हीट की फॉर्म, हीट की हेल्प से, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल रहेगा। लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, साथ में ऑक्सीजन, सिंगल सब्सटेंस, फिर से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है तो फिर ये हो जाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। सेम यहाँ पे वाइट कलर का रहता है लेड नाइट्रेट, जैसे ही हीट करेंगे कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर रहेगा। सेकेंड टाइप आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जब भी आप डिकम्पोजिशन कराते हो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, पहले वाले में हम करा रहे थे हीट की हेल्प से तो उसको बोल रहे थे थर्मल डिकम्पोजिशन, अब हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से करा रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे हाइड्रोजन गैस है आपकी, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में अगर हम करंट पास कराते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है उसमें अगर करंट पास कराते हैं, ये वाटर रहेगा आपके पास, ठीक, ये हाइड्रोजन गैस की बजाय वाटर रहेगा, गैसियस फेज में ले सकते हो और लिक्विड फेज में, बेसिकली इसको हम लिक्विड फेज में लेंगे, ये वाटर जो रहेगा वो लिक्विड फेज में है, उसको इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं तो वो ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पे आयन्स मिलेंगे आपको, हाइड्रोजन का आयन, ऑक्सीजन का आयन, तो एक डिकम्पोज हो रहा है सिंगल दो सब्सटेंस में, तो थर्मल डिकम ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रहेगा। एपरेटस कुछ इस तरह से रहेगा, आप एक प्लास्टिक मग ले सकते हो, उसमें दो होल्स कर सकते हो, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स डाल सकते हैं, एक को बोलेंगे एनोड जिसपे हमने नेगेटिव चार्ज रखा है, नेगेटिव एंड कनेक्ट किया है बैटरी का, जिसपे पॉजिटिव एंड कनेक्ट किया है उसको कैथोड बोलेंगे, ये बैटरी दी है हमने जो करंट पास कराएगी इसमें से, जैसे ही इस कंटेनर के अंदर वाटर होगा आपका, इस तरह से वाटर फिल होगा तो इस करंट की वजह से ये वाटर ब्रेक हो जाएगा आयन्स की फॉर्म में, वाटर ब्रेक हो जाएगा आयन्स की फॉर्म में। अब हम कह रहे हैं कि कैथोड जो है, कैथोड पे रहेगा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, एनोड पे जो चार्ज रहेगा वो चार्ज रहेगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही वाटर ब्रेक होगा आपका, वाटर डिकम्पोज होगा, उसमें आपको आयन्स मिलेंगे, हाइड्रोजन का आयन और ऑक्सीजन का आयन, इस तरह से मिलेंगे हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन आयन। अब नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव पे चला जाएगा, इट मीन ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे चला जाएगा और जो पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है वो कैथोड पे चला जाएगा, क्योंकि वहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिलेगा, एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिलेगा। ये स्विच लगाया है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं बैटरी की हेल्प से, जिससे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन आयन में, ऑक्सीजन आयन में, और वो डिकम्पोज हो रहे हैं आपके। तो वाटर को डिकम्पोज करा के हमने आयन्स बना दिए, तो एक को तोड़ के दो बना रहे हो, तो फिर से ये डिकम्पोजिशन टाइप रहेगा, करंट की हेल्प से बना रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक रहेगा। कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कराएंगे, सनलाइट ज़रूरी है, ये कंडीशंस हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड है वाइट कलर का रहेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा सिल्वर आयन में और क्लोराइड के आयन में, सिल्वर और क्लोराइड क्लोरीन में सेपरेट हो जाएगा, वाइट कलर चेंज हो जाएगा ग्रे कलर में। नेक्स्ट एग्जांपल देखें सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट की हेल्प से सिल्वर और ब्रोमीन में तोड़ सकते हैं हम। ये रिएक्शन जो होती हैं ये यूज करते हैं हम इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, कि जो फोटोग्राफर होता है, जैसे पहले के टाइम में जो फोटोग्राफी होती थी वो नेगेटिव से फोटो बनाते थे, कि वो फोटोग्राफर आपकी फ़ोटो क्लिक करता है उसका वो नेगेटिव बनाता है, जो ब्लैक कलर का होता था उसको वॉश करके इन सॉल्यूशंस में वॉश करता है, जिससे वो कलरफुल फोटो प्रोड्यूस करता है। तो ये एप्लीकेशन हो जाएगा कि फोटोग्राफी में इसका यूज होता है इन दोनों रिएक्शंस का। ये था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हमारा। नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरे टाइप की रिएक्शन रहेगी डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में हम कहेंगे वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से। जैसे आपने कोई चीज़ रिप्लेस करनी है, उसके जगह पे दूसरा रखना है, तो उस टाइप से बोल सकते हो आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक को हटा के दूसरा आ जाएगा उसकी जगह पे। सपोज आयरन सॉलिड फॉर्म में था, सिंपल था आयरन, कॉपर सल्फेट के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएगी तो इस कंपाउंड से, जो ये कॉपर सल्फेट का कंपाउंड है, यहाँ से आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा, इसको हटा देगा, इसके जगह पे आप अटैच हो जाएगा।
तो Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट चेंज हो जाएगा FeSO4Cu। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया है, तो इसके जगह पे आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर, तो आयरन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह के रिएक्शंस को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एक्टिविटी से देखते हैं, जैसे आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन की नेल्स ऐसे हैंग डाउन की हुई हैं और जो सॉल्यूशन रखा है टेस्ट ट्यूब में वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये स्टैंड है जिसकी हेल्प से ये रिएक्शन हो पा रही है। अब आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अगर आयरन की रिएक्टिविटी कम होती कॉपर से तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो इसी वजह से ये जो आयरन नेल्स हैं इनका कलर चेंज हो जाएगा तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लेंगे। कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से तो वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। नेक्स्ट देखो, जिंक जो होता है वो भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा, कॉपर सल्फेट में से जिंक सल्फेट बना लेगा। तो जब एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप पता है आपका लेड और कॉपर क्लोराइड का। लेड रिएक्टिव है तो लेड क्लोराइड बना लेगा, कॉपर सेपरेट हो जाएगा। जिंक और लेड जो हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं कॉपर से, तो वो डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर को उसके कंपाउंड में से। नेक्स्ट आता है लास्ट टाइप हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लास्ट टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जो हैं वो म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं। अभी जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी उसमें एक ही एटम क्या करता था, डिस्प्लेस करता था। इसमें क्या रहेगा, म्यूचुअली मतलब दोनों एक साथ एक्सचेंज होंगे। अगर एक दूसरे को रिप्लेस कर रहा है तो दूसरा पहले को रिप्लेस कर रहा है। आप कह सकते हो कि अगर फर्स्ट वन सेकंड की पोजीशन पे आता है तो सेकंड वन फर्स्ट की पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे सोडियम सल्फेट लिया हमने, सोडियम सल्फेट एक कंपाउंड है आपका, बेरियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। अब अगर सोडियम बेरियम को रिप्लेस करेगा तो बेरियम भी इसको रिप्लेस कर देगा, मतलब डिस्प्लेस कर रहा है दोनों, तो इसलिए दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो नाम आया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम सल्फेट बना रहा है बेरियम को रिप्लेस करके बेरियम सल्फेट, एंड बेरियम सोडियम सल्फेट को रिप्लेस करके बना रहा है सोडियम क्लोराइड। दोबारा देखें, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, यहाँ से सोडियम सल्फेट से सोडियम क्लोराइड के साथ अटैच हो जाएगा, बेरियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, इस तरह से दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई है तो डबल डिस्प्लेसमेंट नाम देंगे इसको। इस तरह के रिएक्शन में एक वाइट सब्सटेंस बनता है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे। वो वाइट सब्सटेंस वाइट कलर का रहेगा, वो इनसोल्यूबल रहेगा, दैट इज बेरियम सल्फेट जो है यहाँ पे इसको प्रेसिपिटेट बोलेंगे। और प्रेसिपिटेट को लिखने का सिंबल है कि उसके ऐसे एरो दिखाएंगे हम कि वो नीचे की तरफ बैठ गया है और ये अभी सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है। आप अलग से देख सकते हो, तो वो वाइट कलर का जो सब्सटेंस रहेगा उसको प्रेसिपिटेट बोलेंगे। प्रेसिपिटेट से हम टाइप बना सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वो डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक टाइप है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें जो प्रोड्यूस कर रही है प्रेसिपिटेट, मतलब वो रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट बनाती है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जांपल देते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करें। अब यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो पोटेशियम आयोडाइड का जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, लेड नाइट्रेट का जो लेड है वो आयोडीन के साथ चला जाएगा, तो हमें मिलेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब लेड आयोडाइड जो है ये प्रेसिपिटेट बना है जिसको डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे। तो ये डाउनवर्ड एरो फेसिंग एरो रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि लेड आयोडाइड जो है वो एक प्रेसिपिटेट बन चुका है। तो ये थी हमारी चार तरह की केमिकल रिएक्शंस, उनके सब टाइप्स भी हमने डिस्कस किए हैं। अब इस यूनिट का, इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है जिसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोरिजन इनके बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने पढ़े हैं चार टाइप्स, फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, कॉम्बिनेशन में हमने कुछ रिएक्शंस देखी, कुछ एग्जांपल्स देखे। इसके दो टाइप्स बताए कॉम्बिनेशन के। कॉम्बिनेशन का पहला टाइप है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा था एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर हमने सेकंड टाइप देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन तीन तरह की बताई जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन था, सेकंड था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड था आपका
सेकेंड था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड जो रहेगा, थर्ड रहेगा ये, इसको बोल सकते हो आप फोटो डिकम्पोजिशन। जो ये एग्जांपल हैं ये फोटो डिकम्पोजिशन के हैं, कि लाइट की हेल्प से करा रहे हो आप इसको, लाइट की हेल्प से करा रहे हो तो फोटो डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। थर्ड जो टाइप रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का था, जिसके एग्जांपल देखे। और लास्ट हमने अभी डिस्कस किया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेशन इसका सब टाइप था। आई होप इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।